नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में दोस्तों रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है दोस्तों वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो को पूरा देखें इसकी बिल्कुल ना करें और बता दें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें ठीक है तो देखेंगे सबसे पहले रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए गए हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2022 की बात हो रही है दोस्तों अभी हाल ही में ये प्रदान किए गए हैं दोस्तों किन्हें प्रदान किए गए हैं देखेंगे इस बार चार लोगों को एक साथ रेमन मैक्सेस पुरस्कार जो है दिया गया है ठीक है इस बार जो है चार लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है ठीक है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस वर्ष जो है कम्बोडिया मनोचिकित्सक साथियारा झिम को दिया गया है ठीक है यहाँ पे, पे ये कम्बोडिया के हैं मनोचिकित्सक हैं साथियारा झिम ठीक है इन्हें ये पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया है ठीक है जापानी नेत्र विशेषज्ञ तदा तदासी हितोरी ठीक है इन्हें दिया गया है जापान के हैं नेक्स्ट में देखेंगे फिलीपीन के हैं फिलीपींस बाल रोग विशेषज्ञ इन्हें जो है बार्नाडेट मैड्रिड को दिया गया है ये जो है फिलीपींस की हैं ठीक है इन्हें दिया गया है नेक्स्ट में देखेंगे इंडोनेशियाई पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेन जेघी को दिया गया है ठीक गैरी जेन बिघू को दिया गया है इस वर्ष 2022 में इन्हें जो है रेमन मैक्सेस पुरस्कार दिया गया है ठीक है अब आगे देख लेंगे दोस्तों इन्हें किन कार्यों के लिए जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है ठीक है रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2022 किसे और क्यों दिया गया है ठीक है किस देश से ये सब देखेंगे दोस्तों इमेज भी देखेंगे यहाँ पे इमेज देख लेंगे साथियारा झिम ठीक है ये साथियारा जिम की इमेज है साथियारा जिम कंबोडिया देश के हैं इन्हें इस वर्ष जो है रोमेन मैक्सर पुरस्कार 2022 से दोस्तों सम्मानित किया गया है ठीक है 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों क्यों सम्मानित किया गया है ये देखेंगे खमेर रूज के शासन में यहाँ पे खमेर रूज के शासन में सताए गए मतलब सताए गए जो पीड़ित थे उनके इलाज किया ठीक है और इसके बाद उन्हें जो है काफ़ी नाम भी कमाया काफ़ी उनको जो है लोगों ने सराहना भी की उन्होंने मतलब जो है इनका नाम भी लिया इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काफ़ी सराहना भी मिला ठीक है इनके कार्य के लिए कई पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं ठीक है साथियारा झिम का ठीक है ये कम्बोडिया देश से हैं बिल्कुल ध्यान रखें एग्जाम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट में देखेंगे तदासी हितोरी ठीक है नेक्स्ट में तदासी हितोरी जापान के हैं यहाँ पे इमेज भी देख पाएंगे इनका कार्य जो था वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया ठीक है हज़ारों जो ग्रामीण थे जो मतलब गरीब थे ठीक है अपना जो इलाज नहीं करा पा रहे थे इनसे जो है अधिकतर लोग वियतनाम युद्ध के दौरान यहाँ पे जो वियतनाम युद्ध में जो बमबारी के कारण जो है आँखों की समस्या से जूझ रहे थे ठीक है गरीब थे उनको जो इलाज नहीं मिल पा रहा था ठीक से अच्छी से अच्छी तरह से ग्रामीण थे ठीक है गरीब थे उनकी आँखों की समस्या से जूझ रहे थे तो उनको लिए जो इन्होंने जो है, है कार्य किया ठीक है उनकी आँखों की समस्याओं को हल किया ठीक है इसके लिए जो है इन्हें दो में इस वर्ष जो है रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है तदासी हितोरी को ठीक है नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों बता दें इस वर्ष जो है चार लोगों को रेमन मैक्सेस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है ठीक है चार लोगों को ठीक है उनके नाम दोस्तों हमने बताए रहे हैं ठीक है यहाँ पे देखेंगे बर्नाडेड मार्डी ठीक है बर्नाडेड मार्डी जो फिलीपींस से हैं ठीक है यहाँ पे इमेज देख पाएंगे ठीक है इन्होंने जो कार्य किया है इन्होंने हज़ारों पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा कानूनी कानूनी और सामाजिक सहायता जो है इन्होंने प्रदान किया है ठीक है इस कार्य के लिए इन्हें जो है इस वर्ष 2022 में रेमेन मैक्सेस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है ठीक है इन्होंने भी बड़े कार्य किए हैं नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे इमेज देखेंगे बेन घिस्क ठीक है गैरी बेन, बेन जिघिप जो है इंडोनेशिया से हैं ठीक है, है? इंडोनेशिया से हैं इन्होंने जो कार्य किया है वो इंडोनेशियाई इन्होंने इंडोनेशियाई नदियों में इन्होंने नदियों ये पर्यावरण विद है ठीक है पर्यावरण से संबंधित इन्होंने कार्य किया है ठीक है इंडोनेशिया में जो नदियां हैं नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किया है ठीक है उनको लिए जो है इन्होंने कार्य किया है जो प्लास्टिक होता है नदियों में इस समय जो है बहुत बह रहा है ठीक है पर्यावरण प्रदूषण के लिए इन्होंने कार्य किया है इसीलिए जो है इन्हें 2022 में जो है इस वर्ष दो बाईस में रोमन मैक्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है ठीक है दोस्तों बता दें ये नवंबर महीने में जो है इन्हें पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे अभी इनकी जो है घोषणा की गई है ठीक है तो दोस्तों आगे हम रेमन मैक्सेस पुरस्कार से जुड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जा रहे हैं ठीक है बारे में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए ठीक है इस वर्ष दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं चार लोगों को जो है रेबेन मेस्केस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस किस देश से हैं जैसा कि हम बता चुके हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखेंगे रेमिन मैक्सेस पुरस्कार जो है रेमिन मैक्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ठीक है एशिया महासागर जो है यहाँ का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट में देखेंगे रेमिन मैक्सेस पुरस्कार उन्नीस से अब तक जो है प्रदान किए जा रहे हैं ठीक है सबसे पहले उन्नीस सौ अट्ठावन में रेमन वैक्सेस पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था ठीक है नेक्स्ट में देखेंगे रेमेन वैक्सेस पुरस्कार की तो स्थापना अप्रैल उन्नीस सौ सत्तावन में हुई थी ठीक है अप्रैल उन्नीस सौ सत्तावन में रेमन वैक्सेस पुरस्कार की स्थापना की गई थी ठीक है दोस्तों आगे देखेंगे रेमेन मैक्सेस पुरस्कार जो है रेमन मैक्सेस पुरस्कार रेमन मैक्सेस फाउंडेशन द्वारा जो है प्रदान किया जाता है ठीक है रेमन मैक्सेस अवार्ड फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है हर साल ठीक है अभी 2022 में जो दिया गया है वो रेमेन मैक्सेस अवार्ड फाउंडेशन द्वारा ही पुरस्कार दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट में देखेंगे रेमन मैक्सेस पुरस्कार एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है ठीक है इस पुरस्कार के तहत दोस्तों जो विजेता को जो है स्वर्ण पदक और पचास हज़ार डॉलर प्रदान किए जाते हैं ठीक है इसके तहत जो पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं धन्यवाद दोस्तों